हेलो दोस्तों, IAS फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो वेरियस पीसीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त विश्व कुश्ती संघ ने जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी 18 मार्च 2019 को भारत से छीन कर किसको दे दिए। तो इम्पॉर्टेंट था, न्यूज़ में था, क्योंकि जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो पहले भारत में आयोजित होने वाला था उसे भारत से हटाकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट किया गया है। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2019 को भारत के पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का लोकार्पण किया गया। यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट के पास कितनी एकड़ भूमि में बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 44 एकड़ में। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, दोस्तों ये इस इलेक्शन के पहले का जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ था हम उसका बारे में डिस्कस करने कर रहे हैं, तो एक बार मंत्रालय के ऊपर आप जरूर ध्यान दे देना। 12 मार्च 2019 को कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2019 का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी गई? दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS जो कि अभी 15 दिसंबर को होने वाला है उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला ऑप्शन डी, गाजियाबाद में रखी गई है। नेक्स्ट है, किसको 24 फरवरी 2019 को भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिजभूषण शरण, याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो यहीं पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखना, 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 6 मार्च 2019 को वेब वंडर वुमन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो वेब वंडर वुमन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था, पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट, नवगठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष 1 मार्च 2019 को किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भगवान लाल साहनी। नेक्स्ट है, हाल ही में के राजशेखरन न्यूज़ में थे, ने किस राज्य के राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। नेक्स्ट है, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आलिया भट्ट। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन। दोस्तों, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसे हम वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भी कहते हैं, इसका यह जो सूचकांक है वो कौन जारी करता है? तो WEF द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? UPPCS हो चाहे PCS एग्जाम हो दूसरे, उन सब में ऐसे क्वेश्चन, एकाध क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें इस वर्ष एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन को फर्स्ट रैंक मिला है, और भारत का जो रैंक है वह मैं आगे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट है, सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि ये भारत के इस वक्त के प्रमुख के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, और इसका नाम है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मान के चलिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला लोकपाल 19 मार्च 2019 को किसे नियुक्त किया गया? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप IMP से मार्क कर लीजिए, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC की बैठक कहाँ की गई थी? दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि बालाकोट, पुलवामा ये सब के बाद पाकिस्तान जो है भारत का विरोध कर रहा था, और इसलिए भी ये काफ़ी न्यूज़ में था। और इसका आंसर पहले देख लीजिए, तो OIC का जो बैठक 2019 में होता है उसका आंसर है ऑप्शन ए, आबू धाबी। और यह भी याद रखना, क्यों पाकिस्तान विरोध कर रहा था? क्योंकि
इस बैठक में भारत जो था वह चीफ गेस्ट था। तो इसमें किसने, इसमें भारत की ओर से किन किस हस्ती ने या किस मंत्री ने भाग लिया था, तो वह थी विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। नेक्स्ट है, जगदीश मुखी को मार्च 2019 में किस राज्य का राज्यपाल, जिसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं, नियुक्त किया गया। तो अभी इसके पहले ही हमने क्वेश्चन देखा था के राजशेखरन ने किस राज्य से, के राज्यपाल से परित्याग किया था, अपने पद त्याग किया था। तो इसका आंसर था मिजोरम, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वह मिजोरम है। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में मोजाम्बी के दक्षिण पश्चिमी तट पर उष्णकटिबंधीय अवसाद से उत्पन्न किस चक्रवात ने तीन दक्षिण अफ्रीकी देशों मोजाम्बिक, मलावी, जिम्बाब्वे में 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इडाई। तो दोस्तों, इडाई या फिर जो आपको जितने भी दिख रहे तितली, इनका एक बार देख लीजिए, अरब सागर में हुए हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो याद रखना, वायनाड सबको पता है, यह केरल में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2019 को कहाँ पर आकाशवाणी FM स्टेशन का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेल्लोर। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, फरवरी 2019 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो मुकेश अंबानी जो है को ऑप्शन सी, 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से किससे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रघुराम राजन। याद रखना, यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 किसे मिला है, तो वो रघुराम राजन को मिला है। नेक्स्ट है, नंबी नारायण, तो नंबी नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2019 दिया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC कहते हैं, का चेयरमैन मार्च 2019 में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, MR कुमार। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ICC विश्व कप 2019 के बाद एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, JP ड्यूमनी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान ने 23 फरवरी 2019 को किस देश के खिलाफ T20 मैच का सर्वाधिक स्कोर 278 रन बनाया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड। तो अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 का सर्वाधिक स्कोर 278 रन बनाया। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन हम पूछने वाले थे। होप सो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।